हाय एवरीवन, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 कंपनी को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन सब में से बेटर ऑप्शन हम लोग के लिए एट प्रेजेंट कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे शेयर अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। तो हम लोग को ध्यान से कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर टोटल 10 कंपनी है और जो हम लोग का सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो डिस्काउंट का। डिस्काउंट का मतलब कंपनी का जो बुक वैल्यू है उससे कितना परसेंट डिस्काउंट में करंट मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा है। जैसे यहाँ पे पहला कंपनी हम लोग का नलवा सन्स हो गया, जो कि जिंदल ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। बुक वैल्यू 24,542 है, करंट मार्केट प्राइस 7,753 है। और बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 68% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, मतलब बुक वैल्यू से 68% नीचे नलवा सन ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंपनी हो गया स्टील इन्वेस्टमेंट, जो कि मेनली आवाज शुगर कंपनी, चंबल फर्टिलाइज़र, गंगा सिक्योरिटीज एंड मगा शुगर, इस तरह कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। और ये जो 58% बुक वैल्यू का डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा, करंट मार्केट प्राइस 877 हो गया और 2074 का बुक वैल्यू है। ये जो भी बुक वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो 31 मार्च 2024 का है, और जो रिवाइज बुक वैल्यू आएगा वो 31 मार्च 2025 का होगा, क्योंकि बुक वैल्यू रिवाइज अकाउंटिंग ईयर एंड को ही होता है। तो जितने भी कंपनी है इनका बुक वैल्यू 31 मार्च 2025 को चेंज हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कि इन सबका इन्वेस्टमेंट कौन सा कंपनी में है। तीसरा कंपनी हम लोग का कल्याणी इन्वेस्टमेंट। कल्याणी इन्वेस्टमेंट मेनली भारत फोर्ज, KSL, BF यूटिलिटीज, सलहरा एडवांस मटेरियल, इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, और ये बुक वैल्यू का 59% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया बाकी का कंपेरिजन में, सिर्फ 19% का रिटर्न है। तो आप लोग यहाँ पे एक मौका देख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया सुमित सिक्योरिटीज़, जो सीट लिमिटेड, CG पावर, HCL टेक्नोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये 62% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अभी जो सुमित सिक्योरिटीज़ है यहाँ पे आप लोग के लिए एक ठीक ठाक मौका बन सकता है। पहला तो यहाँ पे डिस्काउंट ठीक ठाक है, 62% है। दूसरा, इसका पास्ट वन मंथ का रिटर्न सिर्फ 20% है, बाकी से कंपेयर करें तो वहाँ पे कम है। और तीसरा, इसमें जहाँ इन्वेस्टमेंट होकर रखा है, CG पावर, HCL टेक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब अच्छा खासा कंपनी है। ये सब कंपनी जैसे रिलायंस का एग्जांपल है तो बहुत गिरा हुआ भी है, तो आने वाले टाइम में अगर रिलायंस में ग्रोथ होता है तो इसका बुक वैल्यू में भी इंक्रीज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे जो है बुक वैल्यू से ज़्यादा इसका मार्केट प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट आप लोग का नहीं है। अब टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में बुक वैल्यू से ज़्यादा करंट मार्केट प्राइस इसलिए है क्योंकि पास्ट 2 साल में ये शेयर ज़बरदस्त तरीके से दौड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 मंथ का रिटर्न 1.5%, मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस बाकी के कंपेरिजन में इस कंपनी ने नहीं दिया। लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में दो बहुत बड़ा ट्रिगर जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। पहला तो हो गया हम लोग का BSE का IPO। BSE का IPO जब आएगा तब इस शेयर में तगड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और दूसरा हो गया टाटा सन्स का IPO। नेक्स्ट है जिंदल पॉल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इस ए 67% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस हो गया 826 एंड 2523 का बुक वैल्यू है, लेकिन पास्ट 1 मंथ में देखा जाए तो परसेंटेज रिटर्न यहाँ पे कम है। तो कुछ कंपनी में आप लोग रिटर्न कम दिख रहा है क्योंकि जिंदल पॉली का इन्वेस्टमेंट, जहाँ ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस शेयर्स में ही ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, तो इस कंपनी का जहाँ इन्वेस्टमेंट वो नहीं चला था इसलिए इसका भी शेयर नहीं चला। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि होल्डिंग कंपनी में जब पैसा लगाएंगे तो ये जरूर देख लेना है कि कौन सा शेयर में इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है JSW होल्डिंग। ये आप लोग चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त कंपनी सब में है और वो कंपनी लगातार रिटर्न दे रहा है। ये 53% डिस्काउंट में मिल रहा, आज ये अच्छा खासा दौड़ा था और 1 मंथ का रिटर्न हो गया 30%। नेक्स्ट हो गया BF इन्वेस्टमेंट। ये भी कल्याणी ग्रुप, मतलब कल्याणी ग्रुप में आप लोग का दो होल्डिंग कंपनी है, कल्याणी इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरा BF इन्वेस्टमेंट हो गया, दोनों सेम ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखा है दोनों का डिस्काउंट, एक का डिस्काउंट 59% है और BF का है 53%, ठीक है। तो लगभग आसपास ही है और रिटर्न भी दोनों का लगभग आसपास ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता है। नेक्स्ट हो गया धनसरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि एक्सिस, SSCL, REC में इन्वेस्टमेंट करता है और 42% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है और पास्ट 1 मंथ में उसने 6.6% का ही रिटर्न। अब लास्ट कंपनी हो गया हम लोग का NBI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी, जो बॉश लिमिटेड, आइसर मोटर, HDFC बैंक, हिंदुस्तान लीवर, MRF, मतलब इसका देखा जाए तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑटो सेक्टर में, और आप लोग अच्छे से पता है लास्ट 1 मंथ से ऑटो सेक्टर का कैसा धुलाई हो रहा है,
फिर भी इस कंपनी ने 11% का ठीक ठाक रिटर्न एक महीने के अंदर दिया है और 73% डिस्काउंट पे भी ट्रेड करा था। बाकी सबसे कंपेयर करें तो ये अच्छा खासा डिस्काउंट पे भी है, रिटर्न भी यहाँ पे कम आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का इन्वेस्टमेंट कंपनी का लिस्ट। इसमें से कोई भी आप लोग स्टॉक सेलेक्ट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी कंपनी का अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो सब ने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया हुआ। तो इस तरह का स्टॉक आप लोग को ज़रूर होल्ड करना चाहिए। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, आप लोग जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। जितना भी स्टॉक का नाम यहाँ पे लिया गया वो किसी भी तरह का बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।